गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज है सोमवार और मैं निकल चुका हूँ अपने मॉर्निंग वॉक पे। आज मैं जल्दी निकला हूँ क्योंकि ऑफिस निकलना है और ठंडा है। मैं तो हाफ में आ गया, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट में आ गया हूँ, बट आई एम श्योर रेगुलर थोड़ा सा देर और चलूँगा तो गर्मी आ जाएगी। ऐसी कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। और जैसे कि मैंने कल कहा था, आज मैं अपनी गाड़ी का फर्स्ट टाइम ऑफिस लेके जाऊँगा, तो पहला एक्सपीरियंस कैसा रहेगा XUV300 का वो देखते हैं, और एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो हमको कराना ही है वो भी देखते हैं। एंड दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि लोगों का फीडबैक क्या रहता है। अभी तक जो भी फीडबैक आया है अबाउट द कार इज़ वेरी गुड, एंड ऑफिस के लोगों का, ऑफिस कलीग्स का क्या फीडबैक जाता है इसके ऊपर देखते हैं। सो वॉक तो मेरा हो गया है, लेकिन कल हम रैम्बो के लिए उसका फूड लेके आए थे, वो गाड़ी में ही रह गया। अभी पार्किंग जाऊंगा, वहाँ से फूड उसका लेके आऊंगा। चलो तो आज मैंने एक बार में 34 किए, सेकेंड टाइम में 17 किए। ये थोड़ा सा मजबूत नहीं है, हल्का है इनफैक्ट, इसको थोड़ा सा भारी वाला लेना पड़ेगा, बट हो जाएगा। अगर आज 34 हुआ है तो एक दो दिन में 50 एक बार में हो जाएगा। और इसको देखो, ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए ये, किसी को देख रहा है, ये देखो ये चाहिए तेरे को, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिले, हाँ ये नहीं मिलेगा, ये खाने की चीज़ नहीं है। सो सूर्य देवता जब नीचे नहीं मिलते मॉर्निंग में, तो ऊपर हमारी बैल्कनी में जरूर आ जाते हैं, तो यहीं पे हम उनको सूर्य नमस्कार कर रहे थे। तो इसको मैं लगा रहा था घर पे, एक्चुअली मेरा जो लैंडलाइन फ़ोन है वो नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी पढ़ाई करते थे, कभी चार्जर भी लगाते थे, ये निकाला तो देखा थोड़ा सा ढीला हो रहा था, कोशिश तो की है, थोड़ा बहुत इंजीनियर हम भी बने, लेट्स सी चलता है कि नहीं चलता। हमारे गेट पे थोड़ी भी ठार होती है ना, तो ये भौंकने लग जाता है। ऐसे तो गुड साइन है, क्योंकि प्रोटेक्टिव गार्ड है, प्रोटेक्टर अपने मालिक की सुरक्षा करता है। चलो देखते हैं इसको लगा के चालू हुआ कि नहीं। ये देखो ठीक तो हुआ नहीं, ये इसको यहाँ पे बटन में प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे करंट नहीं ले रहा है, इसके लिए दिक्कत हो रही है। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, एक्चुअली ये इस पर टच नहीं हो रहा है, इसके चलते लाइट नहीं जल रही है, कनेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे इसका, देखते कैसे सेट करता हूँ। फाइनली मेरे से तो नहीं हुआ, टीना से ने जुगाड़, मैंने एक आइडिया दे दिया था टीना को, बट स्प्रिंग लगाना बाकी था, तो वो स्प्रिंग टीना ने लगा दिया। अभी देखते हैं इसको चलेगा, बीर की क्लास भी शुरू हो गई है। बीर एक मिनट, इसको देखो आज तो एकदम वियर्ड रैक कर रहा है कुछ। अच्छा, तू इसको खिला रहा होगा ना, इसके लिए, इसलिए भी भूल गया। पूंछ तो हिल रही है उसकी, लेकिन फिर भी बीर जो है, मेरे को लग रहा है उसको लेजर लाइट दिखा रहा था, इसलिए अभी ध्यान नहीं दे रहा मेरे पर। कोई बात नहीं, रैम्बो देख लूंगा मैं तुझे, देख। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अभी बज चुके हैं घड़ी में 8:25, यस 8:25 हो चुका है, और सुबह का तो व्लॉगिंग आपने देख ही लिया जो किया था, और मैंने ये भी बोला था कि मैं आज अपनी पहली बार गाड़ी को ऑफिस लेके जाऊंगा एंड क्या एक्सपीरियंस रहेगा। सो लेट मी टेल यू, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ऑल्दो आई कुड नॉट एबल टू व्लॉग, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ऑफिस कलीग्स ने भी गाड़ी का ट्रायल लिया एंड दे वर ऑल्सो हैप्पी एंड प्रेजिंग की अच्छा है गाड़ी। तो अब ये अच्छा क्यों है और मैं इस गाड़ी के ऊपर ही लैंड क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाई आई हैव परचेज, क्यों मैंने XUV300 W8 ऑप्शनल ली। इससे पहले अगर आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, मैंने 700 का भी ट्राई किया XUV का, देन मैंने थार का भी देखा, थार का मैंने क्या बोलते हैं उसको टेस्ट ड्राइव नहीं लिया, लेकिन 700 का लिया, 300 का लिया, एंड
मन में था कि 700 ही लिया जाए या थार लिए जाए, बट थार का प्रॉब्लम ये था कि थार कैन बी योर सेकंड व्हीकल, इट कैन नॉट बी योर फर्स्ट व्हीकल, सो उस वजह से थार को, और प्लस इनका जो वेटिंग पीरियड था वो बहुत ज़्यादा था। 700 में सारे फीचर्स हैं जो उसका टॉप मॉडल है, सारे फीचर है, लग्जरी कार है नो डाउट, बट द प्राइस फॉर ऑल्सो वेरी हाई। तो मैंने क्या किया कि मैं और सेगमेंट भी देख रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना एक पॉइंट जो मैंने क्लियर कर लिया था कि मेरे को गाड़ी में क्या चाहिए, दैट वॉज द सेफ्टी। सेफ्टी वॉज माई बिगेस्ट पॉइंट वेयर आई हैव जॉट इट डाउन, कि मतलब वहीं पे मैंने लैंड किया कि नहीं मेरे को सेफ्टी चाहिए। एंड जब सेफ्टी में हम जाते हैं तो XUV300 जो है महिंद्रा की सेफेस्ट कार इन इंडिया में कैटेगरी में जानी जाती है 5-स्टार रेटिंग के साथ में। ऑल्दो नेक्सॉन भी है, लेकिन नेक्सॉन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मुझे पसंद नहीं था, इसके लिए मैंने नेक्सॉन को लिया नहीं एंड XUV300 को लिया। तो सेफ्टी इज वन ऑफ द फीचर विच आई हैव कंसिडर्ड बेस्ट फीचर, राइट। उसका डोर क्वालिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा हैवी है। दूसरा, व्हेन आई डू अ कंपैरिजन बेसिकली, तो उसमें मैं देखता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी क्या है। एक गाड़ी जो आपको 14 से 15 लाख में मिल रही है और एक गाड़ी जो आपको 30 लाख में मिल रही है, दोनों में अगर 15 लाख का डिफरेंस है और फीचर वाइज देयर इज नो डिफरेंस एज सच, देन ऑब्वियसली पर्सन विल गो फॉर ए XUV300 गाड़ी। रफ एंड टफ गाड़ी है, स्पोर्टी लुक है, क्रूज कंट्रोल है इसमें और हर तरीके की टेक्नोलॉजी है। फ्रंट पार्किंग सेंसर है आपका, मतलब आप अगर इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो आप जाके देखिए कि क्या है। लेकिन जो इसका कंफर्ट लेवल है, जब आप सीट पे बैठते हो, आज मैंने चला के देखा आना जाना किया ऑफिस में, तो जो उसका कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी मजबूत है। एंड स्टेयरिंग के 3 मोड में आपकी गाड़ी आ जाती है, ऑटोमेटिक सेंसर है, रियर कैमरा है, सनरूफ है, स्पेस है। कई लोगों ने शिकायत ये भी करी है कि इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत कम है, और अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी पिछली कार्स के बारे में, वेयर इज आई वॉज हैविंग ऑल्टो LXi, उसका बूट स्पेस कम था, इवन हुंडई 10 का भी कम था, बेलेनो का थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन इसका बोलते हैं कम है। तो एक्चुअली देखा जाए तो what you are looking for, are you looking for a truck or you are looking for a comfort? So if I consider truck versus comfort, I will choose Mahindra XUV. और आपको अगर सामान ले जाना है तो सामान ले जाने के कई तरीके हैं। आपको भर के ले जानी गाड़ी तो आई डोंट थिंक सो ये कार उसके लिए बनी, आप ट्रक बुक कीजिए और अपना सामान लेके जाइए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉम्पैक्ट कार है, ऊंची है, ज़मीन से काफ़ी ऊंची है, 17 इंच के आपके इसके डायमंड एलॉय व्हील है, डायमंड कट एलॉय व्हील है। सो ये सारे इसमें काफ़ी फीचर्स बने हुए हैं। 6 एयरबैग हैं, सेफ्टी की अगर हम बात करें तो 6 एयरबैग्स के साथ में ये आती है और ऑन ऑन ऑफ का भी ऑप्शन इसमें रहता है। सो आई एम नॉट ए एक्सपर्ट इन ऑटो सेक्टर, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन कार, बट जो मेरा मेन फीचर था जो मैंने आपको बता दिया, इट इज़ ओनली एंड ओनली द सेफ्टी। सेफ्टी के साथ, सारे फीचर्स के साथ, जो कॉस्ट पे मैंने इसको बाय किया है इज़ एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। सो इसमें हम ट्रैवल प्लान करेंगे अपना, कहाँ हम जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, दैट ट्रैवल वी विल प्लान एंड देखते हैं फिर उस ट्रैवल में रोड साइड में कैसे हम इसको लेके जाएंगे। एंड क्रूज कंट्रोल के बारे में शायद मैंने बताया नहीं बताया, बट क्रूज कंट्रोल भी है इसमें, वेर इन यू नो आप एक स्पीड मेंटेन कर लेते हैं तो गाड़ी उसी स्पीड पे आपकी चलती है। मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के थ्रू यू कैन मैनेज योर कार, मतलब मल्टीपल फीचर्स। सो ये था मेरा व्यू कार लेने का। पहले बच्चों को थार समझ में आ रही थी, टीना को 700 समझ में आ रही थी, और किया सोनेट के बारे में बात कर रहे थे। तो किया सोनेट और ये सब गाड़ी जो, इसमें कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन व्हेन यू फोकस, जब आप फोकस कर लेते कि किस कौन सी चीज़ मेरे को चाहिए, मेरे को गाड़ी में चाहिए क्या। सो मैंने जब फोकस किया कि मेरे को सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी में टाटा और महिंद्रा दो चीज़ें आ गई क्लियर कट 5 रेटिंग के साथ में। देन यू डोंट हैव मच ऑप्शन आफ्टर दैट। यू नीड अ बिगर कार, यू नीड अ स्मॉलर कार, अ कॉम्पैक्ट कार और XUV कार, बेसिस ऑफ दैट यू डिसाइड कि कौन सी गाड़ी मेरे को लेनी है। सो यही कंपैरिजन हमने किया एंड YouTube हैज सपोर्टेड लॉट। YouTube में मैंने काफ़ी वीडियो देखे कंपैरिजन को लेके, समझ के, ओनर्स रिव्यू वगैरह देखा, जैसे मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ। अगर किसी को कल के दिन में XUV300 लेनी होगी तो शायद मेरा रिकमेंडेशन भी उधर जाएगा, YouTube उसको रिकमेंडेड करेगा देखने के लिए, तो लोगों को समझ में आएगा। एंड ओनर्स रिव्यूज़ आर प्रैक्टिकली ऑनेस्ट रिव्यू,
बिकॉज आई हैव नॉट बीन, मेरे को किसी, मुझे महिंद्रा ने स्पॉन्सर नहीं किया कि तुम महिंद्रा के बारे में बोलो. दिस इज माई व्यू, दैट इज वाई आई एम टॉकिंग एंड आई एम शेयरिंग दिस. सो यही रीजन था हमारा गाड़ी को लेने का. थैंक यू वेरी मच. रैम्बो के बैठने का स्टाइल देखो, नया तरीका. रैम्बो ये क्या स्टाइल है बेटा? रैम्बो रैम्बो ये क्या स्टाइल है बैठने का? रैम्बो क्या स्टाइल है ये? चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, क्योंकि हो चुका है सोने का टाइम. कल सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग में वॉक करने जाना है और काफ़ी कुछ और काम भी करने हैं. सो बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ.